Okay, students, in the last video we have discussed about plasma membrane, and I told you that plasma membrane is semi-permeable, and then we discussed about diffusion and osmosis, and all this we are studying because we are studying about cell. Okay, now let's see a few more things related to cell. The one thing is cell is of two types. अब ये types क्या होते हैं cell के? Prokaryotic and eukaryotic. ये words शायद आपने छोटी class में कभी पढ़े होंगे. Prokaryotic cells are simple cells and eukaryotic cells are complex cells. Now what does that mean? Prokaryotic cells have a simple structure. Simple structure kya hai? Simple structure hai ye cell membrane, ye iska cytoplasm aur bas. Iske andar yahan pe kahin pe iska DNA hoga, lekin wo koi fixed location nahi hai. कोई थोड़े बहुत सेल के अंदर के पार्ट्स इसके अंदर होंगे, पर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर इसका नहीं है. इट इज जस्ट अ सिंपल सेल. सो दिस काइंड ऑफ सेल विच डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस और एनी अदर स्ट्रक्चर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सेल, दैट इज यूकैरियोटिक सेल, इज अ सेल विच हैज द सेल मेम्ब्रेन, देन इट हैज द साइटोप्लाज्म. It has a very specific nucleus जिसके चारों तरफ एक membrane होगी और उसके अंदर उसका DNA होगा. इसके अंदर mitochondria भी होगा, इसके अंदर chloroplast भी हो सकता है अगर ये plant cell है. इसके अंदर और भी दूसरे parts होंगे cell के जो different different functions perform करते हैं. So basically this eukaryotic cell is a complex cell. ठीक है, prokaryotic जो word है इसका मतलब ही ये है primitive. प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, है ना? तो प्रिमिटिव है. प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी सेल है? जब कभी भी अर्थ पे लाइफ बनी होगी तो जो पहली सेल बनी वो थी प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, एंड दैट सेल स्टिल रिमेन्स. कौन सी होती है मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगी. ठीक है, पुराना, पुराना कैसे लगता है? पुराना ऐसे लगता है. ओके, मेरी हिंदी वीक है, तुम लोगों को आता होगा डेफिनेटली. चलिए, यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक इज एडवांस्ड सेल. एडवांस्ड सेल, एडवांस्ड है, बाद में बनी है. मतलब पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी और उसी प्रोकैरियोटिक सेल से डेवलपमेंट होके ये यूकैरियोटिक सेल बनी. इसके प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का नाम सबने सुना है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में भी काम आते हैं. सो द बैक्टीरिया जो होता है उसकी सेल ऐसी सिंपल सेल होती है. फिर ये यूकैरियोटिक सेल कहां पर होती है? ये यूकैरियोटिक सेल प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं, एनिमल्स की जो सेल होती हैं, फंजाई की जो सेल्स होती हैं, दे आर ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. यानी हमारी जो सेल है वो भी यूकैरियोटिक सेल है. ठीक है, अभी ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तक हमने जिस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा वो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी. और क्या फंक्शन है आपको साफ दिखाई दे रहा है? उसका जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उससे का जो इंटरनल कंटेंट है सेल का उसको सेपरेट करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. अच्छा, फिर मैंने बताया था कि ये सेमी परमिएबल होती है. तो सेमी परमिएबल होने का मतलब है कि सेल को कुछ तो चाहिए होगा ना. जैसे अगर ये बैक्टीरिया की सेल है सपोज मान लीजिए, और ये पानी में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, तो इसको जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी कुछ खाना चाहिए, ये बाहर से लेगा. तो ये जो इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो फूड पार्टिकल्स को या जो भी इसके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अंदर आने का अलाउ कर देगी. तो इस बैक्टीरियल सेल को फूड मिल जाएगा या न्यूट्रिशन मिल जाएगा.
इसी तरह से इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, इसके अंदर खाएगा वो बैक्टीरिया खाना खाएगा तो कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा, तो जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए भी अलाउ कर देगा। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी सेमी परमिएबल ना होती, मतलब किसी भी चीज को अलाउ ना करती अंदर, आपको होगी प्रोटेक्शन ही तो प्रोवाइड करना, तो किसी चीज को अंदर ना आने दे, किसी भी चीज को अंदर नहीं आने दे अगर, तो फूड भी अंदर नहीं आएगा, न्यूट्रिशन वाटर कुछ भी अंदर नहीं आएगा, और जो वेस्ट है वो भी सेल के अंदर ही इकट्ठा हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, दैट्स वाय दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज टू बी सेमी परमिएबल। ठीक है, फिर हमने बात करी थी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। अब जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, इसको ऑक्सीजन लेना है, हम सब ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट है, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया की सेल भी तो ऑक्सीजन लेगी, तो बाहर ऑक्सीजन बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की सेल के इस वाली सेल में भी ऐसा ही होगा, और अंदर ऑक्सीजन कम है। सपोज काउंटिंग के लिए बता देती हूँ, बाहर आपके चार ऑक्सीजन है और अंदर दो है, तो हायर कंसेंट्रेशन किधर है, बाहर की तरफ, लोअर कंसेंट्रेशन किधर है, अंदर की तरफ। नाउ व्हाट विल हैपन, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूज होगी गैस, यहां से अंदर की तरफ डिफ्यूजन से गैस चली जाएगी। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गई और प्रोड्यूस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, इकट्ठी हो गई बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ऐसा ही हमारी बॉडी में भी होता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूजन से सेल के अंदर जाती है, सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से फिर ब्लड में चले जाती है। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये डिटेल में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देन देर